बिसमीम असल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ़ एंड हैप्पी आई एम योर साइंस टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर साइंस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दी आर ऑन चैप्टर नंबर नाइन एंड द नेम ऑफ़ आर चैप्टर इज़ अर्थ इन द सोलर सिस्टम और आज हम एक क्लास एक्टिविटी करेंगे प्रीवियस एस एल ओ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डे एंड नाइट फॉर्मेशन पढ़ी थी और हमने अर्थ की एक आ, दो तरह की रोटेशंस पढ़ी थी मूवमेंट्स पढ़ी थी रोटेशन ऑन द एक्सेस एंड मूवमेंट अराउंड द सन सो आज हम उसी से रिलेटेड जो चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे वी आर डिस्कसिंग द रोटेशन ऑन द एक्सेस और उससे रिलेटेड हम एक क्लास एक्टिविटी करेंगे लेकिन जल्दी से रिकैप कर लेते हैं वॉट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर सो माई डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को गौर से सुनना है और फिर उसको आंसर करना है वीडियो पॉज करके सो हाउ डू डे एंड नाइट फॉर्म दिन और रात जो है ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस जो ये अपनी एक्सेस पे मूव कर रहा है इसकी वजह से डे और नाइट फॉर्म होते हैं द पार्ट विच इज़ फेसिंग द सन हैज़ डे टाइम और जो ऑपोजिट है उसके विच इज़ नॉट रिसीविंग द सन लाइट दैट हैज़ द नाइट टाइम और इसी तरीके से डे और नाइट जो है फॉर्म होते हैं अर्थ जो है अपने एक्सेस पे एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे में यानी कि 24 फोर आवर्स में 23.56 थ्री अप्र, या टू बी एग्जैक्ट उतने टाइम में जो है ये अपने एक्सेस पे एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है ओके माय डियर स्टूडेंट्स अगेन लेट्स क्विकली लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सो माय डियर स्टूडेंट्स आपने रोटेशन को तो समझ लिया डे एंड नाइट फॉर्मेशन को तो समझ लिया टूडे वी विल डिस्कस दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑन दिस रोटेशन फ्रॉम द चेंजिंग अपेरेंट्स ऑफ शेडोज ड्यूरिंग द डे सो so, इसी से रिलेटेड कि क्यों जो है शेडो की अपेयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द डे आप देखते हैं कि आपका शेडो एक जगह नहीं रहता दस बजे कहीं और था बारह बजे जब आके आप देखेंगे तो आपका शेडो किसी और साइड पे होगा तो इसी से आज हम एक एक्टिविटी करेंगे ये एक्टिविटी आपने ग्राउंड में जाके परफॉर्म करनी है लेकिन उससे पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शंस ले लें सो माई डियर स्टूडेंट्स प्री रीडिंग क्वेश्चन के देख लें डू यू नो वट इज शेडो क्या आपको पता है शेडो क्या होता है प्रीवियस ग्रेड्स में हम ये पढ़ चुके हैं जल्दी से क्विकली क्विकली टेल मी शेडो क्या होता है वेन एवर यू ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट सो अ ब्लैक पोर्शन अपेयर्स सो दैट इज कॉल्ड द शेडो ठीक है जहां पर लाइट रीच नहीं कर सकती जो डार्क एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द शेडो ओके माई डियर स्टूडेंट सो हाउ डज शेडो फॉर्म वेन यू ब्लॉक द लाइट पाथ ऑफ द लाइट

तो आज जो है फुल सनी डे है पूरी धूप निकली हुई है बिल्कुल भी क्लाउडी वेदर नहीं है सो सेशन टाइम इज सेवन ए एम तो आपने जो सेशन टाइम है वो सेवन ए एम से स्टार्ट करना है सेलेक्ट एन आउटडोर एरिया मेक अ स्मॉल सर्कल तो आपने एक आउटडोर एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है और वहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इजिली ट्रेस द शेडो ऑफ द स्टूडेंट वन स्टूडेंट हैज़ टू स्टैंड इन द सर्कल वाइल एन अदर हैज़ टू ट्रेस द शेडो तो so, अब आपने क्या करना है एक बच्चा जो है वो उस सर्कल में खड़ा हो जाएगा सात बजकर सुबह सात बजे जो है बच्चों ने अपना शेड्यूल जो है या जब आपका स्कूल स्टार्ट होता है सेवन थर्टी एट एट ओ क्लाक आपने उस टाइम सबसे पहला शेडोल जो है वो अपना ट्रेस करना है एक बच्चा सर्कल में खड़ा हो जाए दूसरा बच्चा चौक से उसके शेडो को ट्रेस करे ट्रेस द शेडोज एट द फॉलोइंग टाइम उसके बाद आपने शेडोज को किन किन टाइम पे ट्रेस करना है नाइन थर्टी पे एम पे उसके बाद ट्वेल्व ओ क्लॉक पी एम पे ट्वेल्व पी एम पे टू पी एम पे और फोर पी एम पे फोर पी एम विल बी लेट क्योंकि बच्चों की तो मेक इट टू थर्टी नहीं मेक इट थ्री ओ क्लॉक ऑब्जर्वेशन यू विल सी डिफरेंस अमंग द शेडोज एट डिफरेंट टाइम्स यू हैव ट्रेस्ड आंसर द्वेश्चन वाइड इज द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इन डिफरेंट टाइम्स वाइड इज द डायरेक्शन ऑफ द शेडो चेंज सो माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या चीज़ आप नोटिस करेंगे एक तो आप शेडो की पोजीशन भी चेंज होती हुई देखेंगे क्योंकि अगर एक शेडो आपका राइट साइड पर थोड़ी देर बाद वो मिडिल में आ जाएगा फिर वो लेफ्ट साइड पर मूव करना शुरू हो जाएगा इसी तरह से आपको शेडो की लेंथ में भी इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो नज़र आएगा ऐसा क्यों है आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है सो आई परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद टू ऑफ माय स्टूडेंट्स वन वाज स्टैंडिंग इन द सर्कल वाइल द अदर हिज फ्रेंड वाज ट्रेसिंग हिज शेडोस सो so, आप देख सकते हैं कि शेडोज की पोजिशनिंग जो है वो डिफरेंट होती जा रही है एंड देयर लेंथ्स आर आल्सो डिफरेंट सो ऐसा क्यों हुआ आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें एंड गो क्विकली आउटसाइड एंड परफॉर्म द एक्टिविटी आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव इंजॉयड द एक्टिविटी आपने शेड जो है वो ट्रेस किए होंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हुआ वाई द शेडोल लेंथ और जो उसकी वो है वो चेंज हो गई सो माई डियर स्टूडेंट्स जब आप देखते हैं कि दिन में और शाम में जो शेडोज़ की लेंथ है वो दे आर लॉन्गर शेडोज और जैसे जैसे दोपहर होती है और सूरज जो है वो बिल्कुल हमें मिडल में फील होता है तो शेडोज जो हैं वो तब सबसे ज़्यादा शॉर्टर होते हैं मिड डे में शेडोज जो हैं दे आर शॉर्टेस्ट वेयर एज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द शेडोज आर लॉन्गर और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है वाई इज इट सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन ऑन इट्स एक्सेस आपको सूरज जो है वो आसमान पे मूव करता हुआ नजर आता है सो बेसिकली इट्स नॉट द सन विच इज मूविंग बेसिकली इट इज द अर्थ विच इज मूविंग ठीक है सो so, अभी अगर अर्थ यहाँ पर है तो बिल्कुल दिन है यहाँ पर ठीक है जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द अर्थ सो माई डियर स्टूडेंट्स अर्थ की अगर ये साइड जो है सन को फेस कर रही है सो so, जैसे जैसे इट विल मूव अवे तो यहाँ शाम होती जाएगी और जो दूसरी जगह है वहाँ सुबह होगी और जैसे ही ये बिल्कुल सामने आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर पूरा जो है वो दिन निकल आएगा सो so, इसी वजह से जो आपको शेडोज हैं उनकी लेंथ में और उनके पोजिशन में जो है वो डिफ्रेंस नज़र आता है चेंज नज़र आता है सो है यू कैन सी कि दिस इज जब सूरज बिल्कुल आपको ऊपर फील होता है इट इज एग्जैक्टली ये ट्वेल्व ओ क्लॉक का टाइम होता है दोपहर का टाइम होता है और यहां पे जो शॉर्टेस्ट होते हैं और वेयर एज इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग द शेडोज और द आर द लॉन्गेस्ट सो एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट यूजिंग अ ग्लोब एंड टॉर्च सो माई डियर स्टूडेंट्स आप इस प्रैक्टिकल को क्लास में इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक ग्लोब ले लें और एक टॉर्च लें और आप टॉर्च को लाइटअप करें दिस इज़ वेरी ईजी ओके इफ आई विल स्विच ऑन द टॉर्च आप इसके लिए अपनी uh, टीचर जो हैं वो मोबाइल्स को भी यूज़ कर सकती हैं और आप अर्थ को ले लें तो आप ये देखें कि जैसे ही ये देखें uh, ये देखें सो दिस पार्ट इज रिसीविंग द लाइट इसकी वजह से जो है यहाँ दिन है अगर मैं लाइट्स को स्विच ऑफ करूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियरली नजर आएगा ओके okay. अंधेरा कर देते हैं तो ये देखें सो है यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज डे टाइम सो जैसे जैसे ये मूव अवे होगा ये अपने एक्सेस पे ये देखें ये अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से जो अवे फ्रॉम द लाइट होता है अब इसकी बैक साइड पे आप देखें यहाँ बिल्कुल अंधेरा है ठीक है और इस वजह से क्योंकि ये फेस कर रहा है सन को तो यहाँ जो है वो डे टाइम है सो so, आप इसकी एक्सेस पे जो रोटेशन है उसको इस तरीके से जज कर सकते हैं okay, my dear students, now we will move forward. so here you can see the evaluation. so my dear students, why does shadow change with passing the day? because of the rotation of the earth on its axis, the shadows change. we see the uh, sun, johabome, move hotava and across the sky. so basically it's not the sun which is moving, it is the earth that is moving on its axis.

the dash at which the sun shines on stationary objects changes the earth's rotation this is because the uh, dash at which this is because of the angle at which early in the morning when the sun is near the horizon it casts dash shadows it casts longer shadows when an object blocks the light when the sun is higher overhead during the middle of the day the shadows become shorter as the angle of the sun has changed the dash uses the shadows that the sun casts to tell the time of the day the a sundial uses shadows that the sun casts to tell the uh, time of the day so my dear students shadows change in direction and size so pehli wali mein jo hai, number one mein direction aega, dusre mein angle aega. so you pause the video and quickly finish the worksheet I hope everybody has done it now let's quickly move forward towards the homework for homework you will do question number six from section C page number 121 and try to also perform the project on a weekend uh, at your home also so my dear students today we have done a class activity on the shadows just may have learned learn the size and direction of the shadow change in different types of the day due to the position of the sun which changes because of the rotation of earth on its axis so my dear students i, I hope you have enjoyed today's lecture keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz